माय बाप भाई और बहन मन, आपने मन के सुनाए लागल ही रावण मंदोदरी संवाद। इकर में एक पति व्रता स्त्री जे है से अपन अधर्मी और पापी पति के समझाए लागल है। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। उहा निसाचर रहहि सशंका, जब ते जारी गए ऊ कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचार, नाही निसाचर कुल के रुबारा, नाही निसाचर कुल के रुबारा। जब से हनुमान लंका के जलाए के गेले तब से राक्षस भयभीत रहे लागले। आपन आपन घर में विचार करत हैं कि आब राक्षस कुल कर रक्षा कर कोई उपाय नखे, जेकर दूत कर बल कर वर्णन नहीं करल जाय सकेला। उनकर स्वयं नगर में आवल से कौन भलाई है, हमरे मनकर बड़ा खराब दुर्दशा हुई। नगर निवासी मनकर वचन के सुन के मंदोदरी बहुत व्याकुल हो गए और एकांत में पति रावण से हाथ जोड़ के कहे लागल है। ओहो हरे तब मंदोदरी मन मारी, पति के सन्मुखे लोरा धारी, मंदोदरी मन मारी, पति के सन्मुखे लोरा धारी, मंदोदरी मन मारी। हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ देऊ, मोर कहल के हृदय में धारण कर लो। जेकर दूत कर करनी के इयाइध करल से राक्षस मनकर स्त्री कर गर्भ गिर जायला। हे प्यारे स्वामी, यदि भाला चाहिला तो आपने मंत्री के बुलाए के उकर साथ उनकर स्त्री के भेज देऊ। सीता आपने कर कुल रूपी कमल कर बन के दुख देवक वाली जाड़ कर रात कर समान आ है। हे नाथ, सीता के लौटाल बिना शंभु और ब्रह्मा कर कोनो करले भी रोर भाला नहीं हो सकेला। जग के पालक आए, जग के पालक आए, प्रभु रघु राए, रघु कुले अवतारी। जग के पालक आए, जग के पालक आए, प्रभु रघु राए, रघु कुले अवतारी। से संगे मती करू रारी, मंदोदरी मन मारी, से संगे मती करू रारी, मंदोदरी मन मारी। रावण कहे लागल है, यदि बानर कर सेना हिया आवी तो बेचारा राक्षस मन खाए के अपन जीवन निर्वाह करबे। लोकपाल भी जेकर डर से कांपेला, उकर स्त्री होई के भी डरैला। ई तो बहुत हासी कर बात है। रावण ईसन कही के हाइस के मंदोदरी के अपन हृदय में लगाए के और ममता बढ़ाए के अधिक स्नेह दिखाए के सभा में चल गए। मंदोदरी हृदय में चिंता करे लागलें कि मोर पति कर ऊपरे विधाता प्रतिकूल हो जा है। जब मंदोदरी सुनलें कि प्रभु श्री राम जी आ हैं और खेल खेल में समुन्दर के बांध दे हैं, तब आपन पति रावण के हाथ धैर के महल कर भीतरे लेग के मनोहर बानी कहलें। गोड़ में गिर के आपन अचरा पसराय के कहलें, हे प्रियतम, क्रोध के त्याग के मोर कहल के सुनू। हे नाथ, दुश्मनी उकरे से करे चाही, जेकर से बुद्धि और बल कर द्वारा जीतल जाय सके। रौर में और प्रभु श्री राम में ईसन अंतर है जैसन भगजोगनी और सूर्य में। अति बल माधु कटब
सूत संहारे जेहि बलि बांधि साज भुज मारा सोई अवतारे उहरन महि भारा सोई अवतारे उहरन महि भारा मंदोदरी रावण से कहे लागल हैं जे विष्णु रूप से अत्यंत बलवान मधु और कैटभ राक्षस के मारले और बराह और नरसिंह रूप से महान सूरवीर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु कर संहार करले जे वामन रूप से राजा बलि के बांधले और परशुराम कर रूप से सहस्त्र बाहु के मारले ओहे भगवान पृथ्वी कर भार हरण करे कर वास्ते राम रूप में अवतार ले हैं। हे नाथ उनकर विरोध ना करु जेकर हाथ में काल कर्म और सब जीव है। श्री राम जी कर चरण कमल में सिर नवाय के उनकर शरण में जाय के उनके जानकी जी के सौंप देव और रौरे ई राइज पाइट बेटा मन के देई के वन में जाय के श्री रघुनाथ जी कर भजन करु। हे नाथ श्री रघुनाथ जी तो गरीब मन पर दया करे वाला है। शरण में गेल से तो बाघ भी निखायला रोरे के तो जे करे रहे से कर चुकली। आपने तो देवता राक्षस और चार अचर सबके जीत ले ली। हे दसमोख संत मन कर कहना है कि चौथा पन में यानी मरेक पाख्या में राजा के वन में चल जाय चाही। हे स्वामी वन में अपने उनकर भजन करूँ जे सृष्टि के रचेक वाला पालेक वाला और संहार करेक वाला है। हे नाथ अपने सारा ममता छोड़ के शरणागत पर प्रेम करेक वाला भगवान कर भजन करूँ जेके पावे के लिए श्रेष्ठ मुनि साधना करेना और राजा राज छोड़ के बैरागी हो जाएना। ओहे कौशलधीश श्री रघुनाथ जी अपने ऊपरे दया करेक लिए आ हैं। हे प्रियतम यदि रौरे मोर कहल माइन लेब तो आपने कर अत्यंत पवित्र और सुंदर जस तीनों लोक में फैल जाई। ऐसन कही के आँख में करुणा कर आंसू भर के और पति कर चरण पकड़ के कांपते कांपते मंदोदरी कहे लागल है। हे नाथ श्री रघुनाथ जी कर भजन करूँ जेकर से मोर सुहाग अचल हो जाए। उनके हाय कानारी उनके हाय कानारी अति सुकुमारी जगत के महातारी उनके हाय कानारी उनके हाय कानारी अति सुकुमारी जगत के महातारी आशा कही अचारा पासारी मदोदरी मन मारी आशा कही अचारा पासारी मदोदरी मन मारी। तब रावण मंदोदरी को उठाले और दुष्ट भाषा बोले के लागले। हे प्रिय सुनो रोरे व्यर्थ कर भय मान राखी रोरे बतौ तो जगत में मोर समान जोथा के है। वरुण कुबेर पवन जमराज आदि सब दिखपाल मन के और काल के भी हम अपन भुजा कर बल से जीत राखी। देवता दानव और मनुष्य सब मोर बस में है फिर रोरे के ई भय कौन कारण से उत्पन्न हुआ थे। देखो विभीषण दक्षिणया घन घमंड दामिनी बिलासा मधुर मधुर गर जई घन घोरा होई बृष्टि जनी उपल कठोरा होई बृष्टि जनी उपल कठोरा। प्रभु श्री राम विभीषण से कहे लागल हैं। हे विभीषण दक्षिण दिशा में देखू तो
करिया बदरी कैसन घूमरत थे और बिजली भी चमकत थे। भयानक बादल मीठा मीठा गरजे लागल है, कहीं पखल पानी ना आवी। विभीषण कहे लागल है, नहीं प्रभु, वो ना तो बिजली हके ना बदरी। लंका कर चोटी में एगो महल है, रावण हुआ आखरा में नाच गान देखत थे। रावण आपन मूड में बदरी लखे छाता धैर है, ओहे करिया बदरी लखे दिशत है। और प्रभु मंदोदरी कर कान में जे करंज फूल हिलत है, ओहे बिजली लखे चमकत है। और हे प्रभु सुनो, ढोलकी और मांदर भी बाजत है, ओहे बदरी घिड़के लखे सुनात है। रावण कर अभिमान समझ के प्रभु मुस्कुरा लय और धनुष चढ़ाए के ओहे बटे बाण चला लय। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। एके बाण में रावण का छाता मुकुट और मंदोदरी कर करंज फूल के काट के गिराए दले। रास रंग भंग हो गेलक, सब सभा भयभीत हो गेलक। राक्षस मन कहे लागलें, ई तोरे बाबू भारी गंडोगोल हो गेलक। कंपन भूमि न मारुत विशेषा, अस्त्र शस्त्र कछु नयन न देखा। सोचहि सब निज हृदय माझारी, असगुण भय उभय कर भारी। असगुण भय भयंकर भारी। राक्षस मन सोचे लागल है, ना भूकंप होलक, ना बहुत जोर कर हवा चललक, ना तो कोई लेबदा लाठी करले। फिर इ छाता मुकुट और करंज फूल कैसे कैट के गिरलक। सब कोई आपन आपन हृदय में सोचे लागलें कि इ तोरे बाबू बड़ा भयंकर अपशगुन होलक। जब से मंदोदरी कर कान कर करंज फूल पृथ्वी में गिरलक, तब से मंदोदरी कर हृदय में सोच ढोक गेलक। आँखि में पानी भर के दुयो हाथ जोड़ के मंदोदरी रावण से कहे लागल है, हे प्राणनाथ मोर विनती के सुनू। श्री राम से विरोध छोड़ दे, उनके साधारण मनुष्य जान के मन में ना हठ धरू। ना है भेषाधारी, ना है जटाधारी, ना है जोगीधारी। ना है भेषाधारी, ना है भेषाधारी, ना है जटाधारी, ना है जोगीधारी। पूर्ण ब्रह्म नर ब्रह्मण रारी मदरी मन मारी। हे प्राणपति सुनो, प्रभु से बैर छोड़ के श्री रघुवीर कर चरण में प्रेम करू, जेकर से मोर सुहाग ना जाए। पत्नी मंदोदरी कर वचन सुन के रावण खूब हंसलक और कहलक, मोह कर महिमा बड़ा बलवान है, स्त्री कर स्वभाव सब सत्य कहे ना, कि ऊ मन कर हृदय में आठ अवगुण सदा रहेला। साहस अनृत चपलता माया, भय विवेक शौचय रिपु कर रूप सकल तय गावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। रावण कहे लागल है, साहस झूठ चंचलता छल भय मूर्खता अपवित्रता और निर्दयता, रोरे शत्रु कर विराट रूप गावत थी और हमके
उकर भारी भय सुनात। रावण कहत है, हे प्रिय, उस सब चराचर विश्व तो स्वभाव से ही मोर बस में है, रोर कृपा से अब मोके समझ में आवत है। हे प्रिय, हम रोर चतुराई के जाइन गेली, रोरे एहे बहाना मोर प्रभुता कर बखान करत थी। हे मृगनैनी, रोर बात बड़ा रहस्य से भरल है, समझल से सुख देवेक वाला और सुनल से भय छोड़ाएक वाला है। मंदोदरी मन में निश्चय कर लेलें कि मोर पति के कालवश मति भ्रम हो जाए। मंदोदरी फिर रावण से कहे लागल है कि हे कांत, मन में विचार करके वो बुद्धि के छोड़ दो। अपने के श्री रघुनाथ जी से युद्ध शोभा नहीं देते, जेकर भाई एगो रेखा खींच दे रहे सेके तो अपने लांघे के निपारली, ईसन तो रोर मर्दवई है। हे प्रियतम, अपने लड़ाई में उनके जीते पारब, जेकर दूत कर ऐसन काम है खेल खेल में समुद्र लांघ के हनुमान अपने कर लंका में निर्भय चैलालक, रखवाला मन के मायर के अशोक बन के उजराय दिलक, रोर आँख कर सामने अक्षय कुमार के मारलक और समूचा नगर के जलाय के राख कर दिलक। उस समय रोर मर्दवई कहाँ जाए रहे। उनके हाय के दूत, उनके हाय के दूत बहुते हाय मजगूत, पलाही में लंका जारी। उनके हाय के दूत, उनके हाय के दूत बहुते हाय मजगूत, पलाही में लंका जारी। लक्ष्मण से सायावा तारी, मदोदरी मना मारी। लक्ष्मण से सायावा तारी, मदोदरी मना मारी। अब हे स्वामी, झूठ गाल ना गाजू, टिंग ना हाकू, मोर कहल से हृदय में कुछ विचार करूं। हे पति, अपने श्री रघुपति के राजा मैं समझू, बल्कि जगन्नाथ और अतुलनीय बलवान जानू। श्री राम जी कर बान कर प्रताप के तो नीच मारीच भी जानत रहे, लेकिन अपने तो उकर कहल के भी नी मान ली। जनक कर सभा में तो अनगिनत राजा मन रहे, और हुआ विशाल और अतुलनीय बल वाला आपने भी तो रही। हुआ शिव जी कर धनुष के तोड़ के श्री राम जी जानकी जी से शादी कर लें, तब आपने उनके संग्राम में काले नहीं जीतली, का देखत रही। इंद्रपुत्र जयंत उनकर बल के तनी तनी जाने ना, काले कि प्रभु उनके धैर्य के एगो आँख फोड़ दलें। सूर्प नखा कर दशा आपने देखबे कही, विराध और खर दूषण के मायर के लीला से कबंध के भी मायर दलें, और बाली के तो एके बाण से मायर दलें। सेले रौरे तनी बुझो ना इतरो, जे खेल खेल में समुद्र के बांध दलें, और जोन प्रभु सेना सहित सुबेल पर्वत में उतरलें, उस सूर्य कुल का ध्वजा स्वरूप करुणामय भगवान अपने कर हित कर वास्ते दूत भेजलें, जे बीच सभा में आए के अपने कर बल के छिन्न भिन्न कर रखलें। रोरे देखते रह गेली, रण में बाके अत्यंत विकट वीर अंगद और हनुमान जेकर सेवक हैं। हे पति, उनके बार बार आपने मनुष्य कहिला, अपने झूठ मूठ कर मान ममता और मद कर बोझ बोहत ही। हाँ प्रियतम, आपने श्री राम जी से विरोध कर ले ली, और काल कर विशेष वश होवल से अपने कर मन में एखन भी ज्ञान उत्पन्न नहीं होते। काल लाठी या बलुआ लेके केखो नहीं मारेला, उ तो धर्म बल बुद्धि और विचार के हर लेवेला। जेकर काल मरेक बेरा सामने आवेला, उके रौरेहे लखे भरम हो जाएला। आपने कर दुई गो बेटा मराए गेलें और नगर जेल गेलक। खैर, पीतल बात के छोड़ू, एखन भी समय है श्री रघुनाथ जी से पैर त्याग दो, और हे नाथ, कृपा कर समुद्र श्री रघुनाथ जी के भैज के निर्मल जस ले। मंदोदरी कर लाख समझाल बाद भी 18 दिन तक प्रभु श्री राम से घनघोर युद्ध करे लागल है।
सिर और भुजा के बहुत बार काटल गेलक, फिर भी वीर रावण मरत नखे। प्रभु तो खेल करत हैं, परंतु मुनि सिद्ध और देवता उ कलेश के देख के व्याकुल हैं। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। नाभि कुंड पीयूष बसया के नाथ जिया तरावनु बलता सुनत विभीषण बचन कृपाला हरसी गहे कर बान कराला हरसी गहे कर बान कराला। तब विभीषण कहे लागल हैं, हे नाथ, इकर नाभि कुंड में अमृत कर निवास है। रावण उकरे बल में जियत है। विभीषण कर वचन सुनते हैं कृपालु श्री राम जी हर्षित होइ के हाथ में विकराल बाण ले लें। उस समय नाना प्रकार कर अपशगुन होए लागलक। बहुत भारी गधा सियार और कुकुर मन कांदेक लागलें। संसार कर अशुभ के जनवाय के लिए चरई चिरगुन बोले के लागलें। आकाश में जहाँ तहाँ पूछल तारा प्रगट होवे के लागलें। दसों दिशा में आगि लागे के लागलक। बिना परब कर सूर्य ग्रहण होवे के लागलक। मंदोदरी कर हृदय भी कांपे के लागलक। मूर्ति भी आँखि से आंसू बहाये के लागलक। आकाश से बजर गिरे के लागलक। अत्यंत प्रचंड हवा बहे के लागलक। पृथ्वी हिले के लागलक। बादल रक्त पाल और धूल कर वर्षा करे के लागलक। इस प्रकार से इतना अमंगल होवे के लागलक कि उके कहल नहीं जा सकेला। ई उत्पात देख के आकाश में देवता व्याकुल होइ के जय जय कहे के लागलें। देवता मन के व्याकुल और भयभीत जान के कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष बाण छोड़े के लागलें। चैत्र शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि के कान तक धनुष के खींच के श्री रघुनाथ जी 31 गो बाण छोड़लें। सायक एक नाभि सरसोसा अपर लगे भुज सिर करी रोसा लय सिर बाहु चाले नाराचा सिर भुज ही न रुंड महीना सिर भुज ही न रुंड महीना चा। एगो बाण से नाभि कर अमृत कुंड सूख गेलक। दोसर 30 बाण उकर सिर और भुजा में लागलक। बाण सिर और भुजा के लेके हुआं चललक जहां मंदोदरी रहें। सिर और भुजा से रहित धड़ पृथ्वी में नाचेक लागलक। धड़ प्रचंड वेग से उदे लागल है जेकर से धरती धसेक लागलक। तब प्रभु बाण मार के धड़ के दुई टुकड़ा कर दलें। मारेक बेरा बड़ा घोर शब्द से गरज के रावण कहलक, राम कहाँ है, मैं लड़ेक चाहो ना। रावण कर गिरते पृथ्वी हिल गेलक। समुद्र नदी हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो ही उठलें। रावण धड़ कर दुयो टुकड़ा के फैलाए के भालू और बंदरा कर झूड़ के जांतते पृथ्वी में गिरलक। रावण कर भुजा और सिर के मंदोदरी कर सामने राख के राम बाण हुआ चलें जहाँ जगदीश्वर श्री राम जी रहें। सब बाण जाए के तरकस में धुक गेलें। ई देख के देवता मन नगरा बजाए के लागलें। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। पति सिर देखत मंदोदरी मूरछित बिकल धरनी खसी पारी जुवती वृंद रोवत उठी धाई तेही उठारी रावण पर
पहियारी। पति कर सिर के देखत कि मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होई के धरती में गिर गेले, जनाना मन कांते कांते उठले और कूद के मंदोदरी के उठाई के रावण कर सामने लान ले। पति कर दशा के देख के चिल्लाए चिल्लाए के कांदे लागले, उनकर केस खुल गेलक, गतर संभरत नखे, अनेक प्रकार से छाती पीटत हैं और काइंद काइंद के रावण कर बल कर बखान करत हैं। हे नाथ, रोर बल से पृथ्वी सदा कांपत रहे, आई चांद और सूरज रोर तेज कर सामने कोनो नी रहे, शेष और कच्छप भी रोर बोझ के साम्राज्य नहीं पारत रहे, वहे शरीर आज धूर में पड़ल है। हे नाथ, वरुण कुबेर इंद्र और हवा इकर में से कोई रन में रोर सामने धैर्य धारण नहीं कर लें। हे स्वामी, रोरे अपने भुज बल से काल और जमराज के भी जीत ले रही, आज रोरे अनाथ लखे पड़ल ही। रोर प्रभुता संसार भर में प्रसिद्ध है, रोर बेटा मनकर और कुटुम मनकर बल कर वर्णन नहीं करल जा सकेला। श्री रामचंद्र जी कर विमुख होवल से रोर ऐसन दशा होलक कि आज पुल में कोई कांदे वाला भी न खाए। हे नाथ, विधाता कर सारा सृष्टि रोर हाथ में रहे, लोकपाल सदा भयभीत होइ के रोरे के सिर नेवात रहे, लेकिन ओह, अब रोर सिर और भुजा मन के सियार खाते। हे पति, काल कर पूर्ण वश में रहल से भी रोरे केकरो कहल नहीं मान ली और चराचर कर नाथ परमात्मा के मनुष्य जान ली। ओह नाथ, श्री रघुनाथ जी कर समान कृपा कर समुद्र दोसर कोई न खाए, भगवान रोर के ऊ गति देलें जे जोगी समाज के भी दुर्लभ है। कृपा दृष्टि प्रभु ताही बिलो का करहु क्रिया परिहरि सब सो का किन्ह क्रिया प्रभु आया सुमानी विधिवत देश काल जिया जानी विधिवत देश काल जिया जानी। चैत्र पूर्णिमा का दिन रहे, प्रभु विभीषण के कृपा पूर्ण दृष्टि से देखलें और कहलें, सब शोक के त्याग के रावण कर अंत्येष्टि क्रिया करूं, प्रभु कर आज्ञा मान के और हृदय में देश और काल कर विचार करके विभीषण अपन भाई कर विधि पूर्वक सब क्रियाक्रम कर लें। मंदोदरी और जतई जनाना रहे रावण के तिलांजलि दे के मन में श्री रघुनाथ जी कर गुण कर बखान करते करते महल में चल गए। तो माय बाप भाई और बहन मन, जे अपन स्त्री कर जे अपन पत्नी कर बात के नी मानी और भाई कर अहित करी, उके ब्रह्मा विष्णु और महेश भी बचाए नहीं सकेना, उकर विनाश निश्चित है, जैसन रावण कर होलक। पति के सन्मुखे लो राधारी मदोदरी मन मारी, पति के सन्मुखे लो राधारी मदोदरी मन मारी। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय।